सब्सक्राइब करें पीके साबर प्लेनेट को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हेलो दोस्त, पीके साइबर प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसा टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसको आपको करने में कठिनाई होता है। हम आपको आज ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप कैसे स्क्वायर निकालेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर इसको हिंदी में कहा जाता है वर्ग। और देखिए वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या का उसी संख्या में एक बार मल्टीप्लाई करना ही क्या कहलाता है, स्क्वायर। जैसे देखिए 12 × 12, अब देखिए 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। 25 × 25, 25 का गुणा 25 में ही क्या कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 के पावर 2, 25 के पावर 2। यदि कोई संख्या इस रूप में हो तो उसका मतलब क्या होता है कि उस संख्या का दो बार मल्टीप्लाई, उस संख्या का दो बार मल्टीप्लाई। यदि किसी संख्या के पावर में 2 है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस संख्या का दो बार मल्टीप्लाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर आपको जानने के लिए 1 से 25 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। और आगे हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आप कैसे बड़े बड़े नंबरों का आप स्क्वायर निकालेंगे। 1 से 25 तक आपको स्क्वायर क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 की पावर 2, इसका मतलब होता है कि 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार, 2 बार। 2 के पावर 2, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अब यहां पर देखिए हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप कैसे स्क्वायर निकालेंगे, कैसे स्क्वायर निकालेंगे। अब यहां पर देखिए एक नंबर ले लीजिए 54 के पावर 2, इसका मतलब क्या होता है कि 54 × 54, इसका आंसर क्या है, इसको आप देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे। अब यहां पर देखिए इकाई अंक पर जाएंगे, इकाई अंक पर देखिए क्या है, 4 है, और दहाई अंक पर कितना है, 5 है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब देखिए जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 16 × 6। अब इन दोनों नंबर का आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 × 4 = 20, 20 आ गया। और जो गुणा करने पर आएगा उसको हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40, और हासिल कितना, 1, कितना हो जाएगा, 41, और हासिल कितना लग जाएगा, 4। अब इस 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25, और हासिल कितना है, 4, तो 25 × 4 = 29, आंसर हमारा कितना आ जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए इस 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36, तो यहाँ पर 36 के हम कितना लिखेंगे, 6। अब इन दोनों नंबर का हम आपस में गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 6 × 36। अब गुणा करने पर जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, डबल कर देंगे, 36 का दुगुना कितना होगा, 72, और हासिल कितना है, 3, कितना हो जाएगा, 75, और हासिल कितना लगा, 7। फिर इस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 36, और हासिल कितना है, 7, 36 में हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43, आंसर हमारा कितना आ गया, 43 × 56। आगे देखिए इसका हमें करना स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा, 36, 36 के हम कितना लिखेंगे, फिर इन दोनों नंबर का हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 6 × 9 = 54,
और उस नंबर को हम डबल कर देंगे, डबल करेंगे तो कितना आएगा 108, और हासिल कितना है 3, इसको हम इसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 111 की हम कितना लिखेंगे 1, और बचा कितना नंबर 11, ये आपका क्या हो जाएगा हासिल। फिर इस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा 81, फिर हमारा हासिल जितना है इसको हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 92। आगे देखिए, अब देखिए जब नंबर 100 से अधिक हो तो उसका आप कैसे स्क्वायर करेंगे, उसका आप कैसे स्क्वायर करेंगे। अब यहां देखिए 5 है, इस 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 पूरा लिख लेंगे। अब देखिए यह नंबर 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है तो उस 5 को हम इसी नंबर में क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110। आंसर हमारा कितना है इतना। आगे देखिए इसका स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49। 100 से कितना अधिक है 7, उस 7 को हम इस नंबर में क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 114। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।